पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक स्टूडेंट बोला अच्छा ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो एक और डिवाइस है जिसका नाम है वोल्टमीटर, फिर वो क्या करता है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो फिर दोनों एक ही बात है, दो अलग अलग नाम है, नहीं अलग अलग नाम नहीं है, अलग अलग मीटर है, काम दोनों एक करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है, ओम लॉ के ऊपर बेस्ड है। वोल्टमीटर का जो प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिक अफेक्ट है, वो मैग्नेट से काम करता है। तो फिर प्रैक्टिकली डेली रूटीन में क्या काम आता है और कौन सा बेटर मीटर है? वोल्टमीटर बड़ा प्रैक्टिकल मीटर है, कुछ भी नहीं करना, करंट में वोल्टेज मेजर करनी है, सुई लगी होती है, वोल्टेज ज़्यादा सुई घूमती है 220 वोल्ट आंसर। इसके अंदर बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढे जाओ, एल ढूंढो वो मीट स्टोन ब्रिज की तरह, फिर एल की वैल्यू पुट करो फिर आंसर आएगा। लेकिन काम ये भी करता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और ये बहुत एक्यूरेटली मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर बहुत एक्यूरेट है और बहुत सही तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन फिर भी हम वोल्टमीटर ही मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर की वायर 100 सेंटीमीटर की नहीं है, इसका डायग्राम है, इसकी वायर है, ये हो सकता है 150 मीटर बड़े हैं ये। अब तुम अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो इतनी बड़ी मशीन जेब में क्यों लेके जाओगे, तो तुम छोटी सी मशीन लेके जाओगे जिसका नाम है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर बड़ा हैंडी है लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मेजर करता है, एग्जैक्ट नहीं करता, फिर भी सबसे ज़्यादा वोल्टमीटर ही काम आता है। पर चलो हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के अंदर इमेजिन कर लो एक मिनट के लिए, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर अब हम कर रहे हैं, वोल्टमीटर नेक्स्ट मंथ करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में। तो मान लो आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, मान लो आपके पास कोई बैटरी है, इसमें करंट है। किसी ने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इसमें क्या है, तो मैंने कहा आर क्या है, कहता पता नहीं, ई क्या है वो भी नहीं पता, आई क्या है वो भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस करंट है। और तुम क्या ढूंढना चाहते हो, इन दो पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस। तो तुम पोटेंशियोमीटर ले आओ, पोटेंशियोमीटर की दो वायर्स हैं, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे है वो नीचे की बजाय ऊपर से मेजर कर दो पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर की तरह किस में लगता है, इन पैरेलल। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जब तुम पोटेंशियोमीटर को खोल के देखोगे इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, मुझे पोटेंशियोमीटर का बॉक्स बनाया था उसके अंदर ये लगा होता है पूरे का पूरा। तो पोटेंशियोमीटर की अपनी एक बैटरी होती है, पोटेंशियोमीटर के साथ एक रजिस्टर लगा होता है आरएच, आरएच का मतलब रियोस्टैट, रियोस्टैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तुम आरएच की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हो जिससे कि सर्किट में करंट कम या ज़्यादा हो सकता है, तुम्हारे हिसाब से काम कर सकता है। नेक्स्ट है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पूरी वायर की लंबाई कैपिटल एल है, ज़रूरी नहीं है 100 सेंटीमीटर, से भी ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कैपिटल एल है। और इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, रेजिस्टेंस कैपिटल एल है, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये दो लूज एंड्स हैं। जैसे इमेजिन करो कि नीचे कैपिटल आर है, बैटरी है, ना मुझे आर पता, ना मुझे बैटरी पता, ना मुझे करंट पता, लेकिन मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूँ इसके अक्रॉस। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे पोटेंशियोमीटर की दो तारों को यहाँ कनेक्ट कर दूंगा पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो की वैल्यू को मेजर करना है तो दो वायर्स को यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। तो उसके बाद जैसे ही कनेक्ट करूंगा और मैं मेजर करना चाहता हूँ इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ये बैटरी और ये बैटरी है, इस ऊपर वाली बैटरी में से करंट निकलेगा, यहाँ आएगा, जंक्शन देखेगा, कुछ इधर जाएगा। इस बैटरी के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, करंट यहाँ आएगा, दोनों मिलके यहाँ से यहाँ और कुछ यहाँ आ जाएंगे और फिर ऐसे चला जाएगा, मतलब हर वायर में करंट ही करंट है, दो बैटरीज का करंट आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका करंट यहाँ चला जाएगा तो यहाँ करंट कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आई इंटू आर से इसकी वी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली तो मेरे को इसका करंट इंटू आर मेजर करना है, जब करंट मिक्स हो गए तो पता नहीं यार क्या आंसर सही आएगा नहीं आएगा, मुझे मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चौकी को मूव करूँगा और एक ऐसे पॉइंट पे लेके आऊँगा जहाँ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाए, ज़ीरो। एक ऐसा पॉइंट मान लो आ गया जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो है। जैसे रीडिंग ज़ीरो आई तो मेरे को एक बात समझ में आ गई,
यहाँ का पोटेंशियल अगर वी वन है तो यहाँ का पोटेंशियल भी वी वन है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हुआ। मान लो ऐसा हो गया कि गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो आ गया, मान लो एक पॉइंट पर जीरो आने का मतलब क्या होता है, इसमें कोई करंट नहीं है। करंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इसका मतलब ये पॉइंट इस पोटेंशियल पे है, यानी कि वी वन है तो ये भी वी वन है, तभी तो आंसर जीरो आया। इसका मतलब यहाँ से आने वाला करंट यहाँ जा नहीं पाएगा, तो ये करंट अपना रास्ता चेंज कर लेगा और ये करंट ऊपर ऊपर से निकल जाएगा और ये करंट नीचे नीचे से निकल जाएगा। इन दोनों वायर में करंट जीरो हो जाएगा, जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि ये वी वन तो ये वी वन तो ये वी टू तो ये वी टू, क्योंकि ये करंट आके भी क्या करेगा, इस बैटरी के करंट में मिक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितना करंट इसने रिलीज किया उतने वापस आएगा। इसका करंट तो जाएगा नहीं, तो वापस जाने का रास्ता तो चाहिए, क्योंकि इस बैटरी ने जो करंट छोड़ा वो वापस जाने का रास्ता ही बंद हो गया, तो फिर ये रास्ता ही चेंज कर देगा। तो इसका मतलब जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होती है तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम हो जाता है, और यहाँ का करंट बाईपास होकर ऊपर और यहाँ का करंट नीचे रह जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं ये पूछूं कि चलो ठीक है, ये सिचुएशन आ गई कि जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, तो बताओ इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आपने बोला वी टू माइनस वी वन, जो मैं मेजर करना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ मेजर करने की बजाय यहाँ मेजर करूँगा वी टू माइनस वी वन, बात एक ही है। क्योंकि जैसी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हुई, मैं ये लंबाई मेजर कर लूँगा, इसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ एक ही बात है, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो पोटेंशियोमीटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसे बैलेंस नहीं कर पाओगे और इसकी गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो नहीं कर पाओगे। जैसे जीरो होगा तो आपको समझना पड़ेगा कि नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं आप। तो ऊपर से करंट की वैल्यू कितनी हुई, जो यहाँ से घूम रही है, ई डिवाइडेड बाई आर एच प्लस वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो ऊपर की बैटरी का करंट आ गया। अब ओम लॉ की बात करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ओम लॉ क्या कहता है, यहाँ का करंट आए इनटू यहाँ की रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल। तो ये पॉइंट क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, आए इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल। अब आए की वैल्यू तो मेरे को पता है कितनी है, आए की वैल्यू वो रही कितनी, ई डिवाइडेड बाई आर एच प्लस आर। और अब मुझे क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ छोटा एल। आप ये बताओ, ये पूरी वायर की लेंथ अगर कैपिटल एल है तो रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। अगर वन है तो स्मॉल आर बाय एल, और अगर स्मॉल एल है तो आर बाय एल इंटू स्मॉल एल। तो यूनिटरी मेथड से निकाल लिया रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पुट कर दो, आर एल बाय एल आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिर्फ आपको बैलेंसिंग लेंथ ढूंढनी है, क्योंकि बैटरी की ईएमएफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सिर्फ क्या नहीं पता आपको, स्मॉल एल। स्मॉल एल की वैल्यू यहां पर पुट करके आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर ये कुछ करेक्शन है, मेरे को लगता है आर एल बाई, ये कुछ करेक्शन है यहाँ पे, ये काट दो स्टेप, ये कट कर दो, और पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख लो, करंट आई, आई की जगह पुट कर लो ई आर एच प्लस आर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल क्या है, आर एल बाई एल, ये स्टेप आएगा। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ एल पे। अगर बैलेंसिंग लेंथ बड़ी हो गई तो नीचे पोटेंशियल डिफरेंस भी बड़ा आएगा, बैलेंसिंग लेंथ छोटी है पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ स्मॉल एल। यहां तक क्लियर है? तो मैंने लिख दिया एल बैलेंसिंग लेंथ अगर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बना, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर का जो ऊपर आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ पर डिपेंडेंट है, कॉन्स्टेंट के पे के आएगा यहां पर इक्वालिटी वी बाई एल। तो वायर के क्रॉस जो भी V कैलकुलेट हुआ, बैलेंसिंग लेंथ L में कैलकुलेट हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी डेवलप हुआ और कितनी लेंथ में डेवलप हुआ उसकी रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट K। तो K का मतलब यहां पर क्या है, V बाय L, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट।
के निकालने का तरीके कई हैं। अगर आप मुझे ये बोलते हो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, लेंथ स्मॉल एल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है 10 अपॉन एल। अगर आप बोलते हो इस पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, लेंथ कैपिटल एल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है 15 बाई कैपिटल एल, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अपॉन कितनी लेंथ में डेवलप होगा उसकी रेशियो को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से निकलेगा, पूरी वायर से भी निकल आता है, जहाँ से मर्जी निकल आए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका है और यही बनता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमने उस बैलेंसिंग लेंथ पे क्या लगाया, ओम्स लॉ, दैट इज वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, और आर क्या है, रो एल बाई ए। तो हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द वायर, और जब के लगता था उसको क्या बोलते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वी और एल का ये ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ है और ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर कि कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो क्या एप्लीकेशंस हैं इसको एक बार देखते हैं।